और चलिए बात करेंगे सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर सिवनी कुरुई के यहाँ पर अंतर्गत ग्राम बादल पार में यहाँ पर गर्मी के पहले पानी की किल्लत लगातार अब देखी जा रही है। तो वहीं यहाँ पर गुस्से ग्रामीणों ने यहाँ पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बादल पार चौकी पुलिस ने यहाँ पर ग्रामीणों को समझाइश दी और साथ ही यहाँ पर जाम को हटवाया। वहीं मौके पर यहाँ पर मौजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस घुमक्कड़ प्रकोष्ठ के भी प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह चौहान, सरपंच रवि कठौत के साथ यहाँ पर पहुंचे और साथ ही यहाँ पर पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की। किस चीज़ को लेके यहाँ चक्का जाम किया गया है? सर ऐसा है कि वहाँ पे पहले से ऑलरेडी दो बोर हैं, उनपे पहले हैंडपम्प से तो उनको निकाल के उसमें मोटर डाल दी गई है। वो जो मोटर है उनके चलने से क्या है, उनमें बार बार पानी खत्म हो जाता है, तो बार बार पानी खत्म होने से मोटर जलती है। क्या है, फिर बनवाया जाता है, फिर डालते हैं, फिर बनवाते हैं, वो स्थायी हल नहीं हो पा रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि, और हम भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे बड़ा बोर हो जाए और सब कुछ बड़े बोर के माध्यम से पानी मिल जाए। समस्या है, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है हमको। इतनी मुसीबत आ गई है कि दूर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। पानी के लिए मोहताज हो गए, एक डब्बे के लिए पानी नहीं मिलता, ना पीने के लिए मिलता है, ना खाने के लिए मिलता, खाना खाए बाहर नहीं जा। एक घंटे में पानी लेके आए दूर से, इतने दूर से जाते थे, पिछले जाते थे वहाँ पर भी मोटर 2 किलोमीटर, लेकिन वहाँ पर भी बंद हो चुका है। अब वहाँ से कहाँ से पानी लाए? ये समस्या कब से जाके पानी अभी चल रहा है सिस्टम, छोटे छोटे गांवों में बना है, बोर हुआ है, वहाँ टंकी लगी और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वही सिस्टम अगर हो जाए तो बार बार लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। चिकली में अभी संतोष थाने में चौकी में सूचना मिली कि पानी की समस्या को लेकर कुछ लोगों ने रोड पे जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। जो ग्रामवासियों को समझाया गया कि भाई ये कानून के मुताबिक आप जाम नहीं लगा सकते, लेकिन आपकी समस्या क्या, उन्होंने बताया कि उनके दोनों बोर बंद हैं और मूलभूत सुविधा पानी की जो है वो तकलीफ जा रही है। तो मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को और पीएचई डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिए हैं कि वो 1.5 घंटे में वहाँ से उनकी समस्या को सुनने के लिए आ रहे हैं और हैंडपम्प सुधारने के लिए आ रहे हैं। इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको तो यहाँ पर ग्राम कैथोरा के पास यहाँ पर बिना नदी के तट पर प्रतिवर्ष माघ छठ पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यहाँ पर प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद यहाँ पर बाबा के दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के यहाँ पर बार बार समझाने के बावजूद भी यहाँ पर लोग भारी तादाद में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस अवसर पर यहाँ पर लोगों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की है। Stand by.